पोहे बनाने की मेथड में थोड़ा सा चेंज और एक स्पेशल मसाला, इन दोनों का जोड़ अगर आपने एकदम परफेक्टली बिठा दिया ना, तो पोहे इतने स्वादिष्ट बनेंगे हर दाना जिसका खिला खिला होगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा जो खाते वक्त गले में अटके या रूखे सूखे लगे। इतने सॉफ्ट बनेंगे, एक ही चम्मच अगर आप बस खा लोगे ना, तभी आपको वो फ्लेवर, वो स्वाद और उसके सॉफ्टनेस का पता चल जाएगा। इतने स्वादिष्ट बनेंगे। तो आज मैं आपके साथ ऐसी ही रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, आपका कन्फ्यूजन दूर करने वाली हूँ कि कैसे मार्केट के बने पोहे घर के बने पोहों से ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो आइए बनाते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ये पोहा लिया है। पोहा चूज़ करते वक्त आपको जो स्पेशल पोहा बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं वही लेने हैं, जो थोड़े से मोटे होते हैं। जो पतला पोहा मिलता है उसका चिवड़ा बनाया जाता है, जिसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। पोहा बनाने से पहले पोहा को ऐसे बड़े छेद वाली जो छन्नी होती है ना, उसे छान जरूर लीजिएगा, जिससे कचरा तो निकलता ही है, साथ साथ पोहा के जो ये छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो भी काफ़ी हद तक दूर हो जाते हैं। अगर आपने ये पोहा में रहने दिए ना, तो कभी कभी पोहे इसी वजह से बहुत गीले गीले बनते हैं, खिला खिला पोहा तब नहीं बनेगा। तो अब ये जो पोहा है, इसे सिर्फ हमें एक बार धो लेना है साफ पानी से, इसे भिगा कर बिल्कुल भी नहीं रखना। वैसे भी ये छन्नी में थे तो पानी तो रहेगा नहीं, सारा बह जाएगा छन्नी से, तो सिर्फ ये अभी गीले हो चुके हैं, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक आधा चम्मच जितना, और ये मैं थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ। अगर बाद में पोहा पूरा बनने के बाद हमें लगे कि थोड़ा नमक कम है, तो हम ऊपर से डालकर एडजस्ट कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को मैंने आपस में अच्छे से मिला लिया है। अब हम चाहते हैं कि पोहे खिले खिले तो बने, लेकिन साथ साथ खाने में बिल्कुल सॉफ्ट से लगे। इसके लिए हम सिर्फ एक ही काम करेंगे। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में लगभग 1 से 1.5 गिलास जितना पानी गर्म कर लिया है। इसमें मैं रख रही हूँ एक स्टैंड, और ये जो छन्नी है जिसमें हल्दी और नमक हमने मिक्स करके रखा है, वो हम रख देंगे। चीनी डालना मेरा बाकी था, अब डाल देती हूँ। ये 1 चम्मच जितनी चीनी आपको इसमें डालनी है। अगर आप ये सोच रहे हो कि चीनी की वजह से पोहे मीठे हो जाएंगे, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इनफैक्ट इसी चीनी की वजह से आगे इस पोहा में हम जो भी मसाले, जो भी फ्लेवर्स यूज़ करने वाले हैं, चीनी उनको इस हद तक परफेक्टली बैलेंस कर देगी कि आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इसमें चीनी थी भी, ठीक है। इसलिए चीनी डालना ज़रूरी है। तो ये हमने डाल दी 1 चम्मच, इसको भी मिक्स कर लिया। अब इसके ऊपर आराम से पैक आ जाए ऐसा ढक्कन आपको रखना है। अब ये स्टीम में पकेंगे, लाइक स्टीम पोहा जैसे बनता है ना, वैसे अब ये बनेगा, ठीक है। पोहा का कलर अभी आपको जैसे डाउन लग रहा है ना, धीरे धीरे जैसे पोहा पकते जाएगा, स्टीम की वजह से उसका कलर ब्राइट हो जाएगा और बिल्कुल पीले पीले नजर आएंगे। इसलिए शुरू में ही बहुत ज़्यादा हल्दी ना डालें। ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लगेगा, सिर्फ 5 मिनट का काम है। आपको फ्लेम हाई पर रखनी है, पानी उबलेगा तेज़ी से, वो स्टीम जिसकी बनेगी पोहा को लगेगी, जिससे पोहा सॉफ्ट हो जाएगा। जब ऐसे से ऐसा हो जाए पोहा, तब समझ जाइएगा कि ये हो चुका है। तब गैस बंद और इसको ऐसे ही ढकी हुई पोजिशन में छोड़ दीजिए। अब इसके लिए एक स्पेशल मसाला बना लेते हैं। अगर बात करें इंदौरी पोहा की, तो उसमें जीरावन नाम का एक मसाला जाता है। उस मसाले में क्या क्या चीज़ें होती है, मैं आपको आगे बताती हूँ। फिलहाल तो ये देख लीजिए कि मैंने एक छोटी कटोरी में 1/4 कप जितनी लाल मिर्च की पाउडर ली है। इस मसाले में कुछ ऐसे गिने चुने गरम मसाले, खड़े मसाले होते हैं, जो हमारे घर के गरम मसाला में भी होते हैं, अगर कुछ मसालों को छोड़ दिया जाए तो। तो अगर आप ये मसाला इतना बनाना और फिर पोहे बनाना, इतना तामझाम आपको नहीं करना, तो इंस्टेंट तरीके में आप क्या कर सकते हो, आपके घर में गरम मसाला होगा ना, बस एक चुटकी गरम मसाला यहाँ मिला दीजिए। फिर इसके बाद इस जीरावन मसाले में ना धनिए भी होते हैं, तो आपके पास धनिया पाउडर होगा, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर यहाँ पर डाल दीजिए। जीरा पाउडर भी होगा, इसमें शाह जीरा जाता है, तो आप नॉर्मल घर में जो जीरा पाउडर होता है ना, वो ले सकते हैं। ये भी हम यहाँ पर 1/4 चम्मच जितना डाल देंगे। आमचूर पाउडर या चाट मसाला, इन दोनों में से कोई एक चीज़ आपको इसमें ज़रूर डालनी है। ये हम 1/2 चम्मच से थोड़ी सी कम डालेंगे। अब आखिर में आपको इसमें डालना है काला नमक। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, आप इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। तो ये भी मैं 1/4 टीस्पून जितना डाल रही हूँ, 1/4 चम्मच जितना। अब ये सारे मसाले हम एक बार मिक्स कर लेंगे। जो जीरावन मसाला है उसकी थोड़ी सी प्रोसीजर लॉन्ग है, फिलहाल मैंने आपको उसका एक इंस्टेंट वर्जन बनाकर बताया है। देखिए 1 बड़ा चम्मच भर के जितना ये मसाला बन जाता है। अब आगे तड़का कैसे लगा रहे हैं। एक कढ़ाई मैंने रखी है, जिसके अंदर हम डालेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच जितना तेल। थोड़ी सी मूंगफली डाली हूँ, आपको पसंद है तो आप डालें या स्किप करें। तो मूंगफली जब तक चटक नहीं जाती, उसको अच्छा कलर नहीं आ जाता, तब तक आप इसको फ्राई करें। अब मैं इसे बाहर निकाल लेती हूँ, हम इसको ऊपर से सर्व करेंगे। अब आगे इस गर्म तेल में आपको डालना है लगभग 1/2 चम्मच से कम राई का दाना, 1/2 चम्मच जितना जीरा। अब हम इसमें डाल रहे हैं सौंफ, काफ़ी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि मार्केट में अगर आपने वो पोहा खाया होगा, उसमें सौंफ होती ही है। और अगर बात करें इंदौरी पोहा की, जिसमें जीरावन मसाला जाता है, जब मसाले को पीसा जाता है तब उसमें भी सौंफ होती है, इसलिए ये ज़रूरी है। अब मैं डाल रही हूँ थोड़े से करी लीव्स, पसंद है तो आप डालें या स्किप करें।
और हरी मिर्च जो पोहा को अभी तीखापन देगी, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। इसे हम अच्छे से पका लेंगे और अब हम इसमें डाल रहे हैं एक मीडियम साइज का प्याज बारीक टुकड़ों में कटा हुआ। प्याज हल्की सॉफ्ट हो जाए, गोल्डन हो जाए तब तक भूनेंगे। यहाँ पर प्याज सॉफ्ट हो चुकी है, अब हम इसमें डाल देंगे ये पोहा जिसे अभी अभी मैंने जो गर्म कढ़ाई में ही मैंने आपको ढक के रखने के लिए कहा था ना, इसे मैंने अभी अभी निकाला है। देखिए कितने बढ़िया खिले खिले और एकदम सॉफ्ट भी है। अभी वीडियो में ये कितने सॉफ्ट है ये समझ में तो नहीं आएगा, लेकिन आप खुद एक बार जरूर ट्राई करके देखना, फर्क आपको खुद महसूस होगा। अभी इसमें हल्दी, नमक और चीनी तो हमने पहले ही डाल दी थी जब मिक्स किया था, इसलिए अब दोबारा से डालने की जरूरत नहीं। और जैसे कि अभी आपने देखा, मैंने इसमें मिलाया लगभग आधा चम्मच जितना हमारा जीरा वन मसाला, या फिर स्पेशल पोहा मसाला ये भी आप कह सकते हो, ये आपको इसमें डालकर एक बार अच्छे से मिलाना है। मुझे पोहा में मसाला थोड़ा सा कम लगा उसका टेस्ट, इसलिए मैं दोबारा से और थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ। वैसे जितनी क्वांटिटी में मैंने अभी आपको ये मसाला बनाना बताया ना, इतने पोहा में वो पूरा यूज़ हो जाएगा। तो देखिए अब ये मैंने डाल दिया और इसके ऊपर से हम धनिया डालेंगे। जब पोहा में धनिया जाता है ना, उसका लुकिंग ही चेंज हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स कितने शानदार बने हैं ये पोहे, लग रहे ना एकदम बढ़िया। और अगर आप ऐसा स्टीम वगैरह करना नहीं चाहते पोहा को, फिर बाद में दोबारा से कढ़ाई में उसको टॉस करो, आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी। आप नॉर्मली घर में जैसे कांदा पोहा बनाते हो बना लो, लेकिन हाँ ये मसाला बनाकर ऊपर से डाल दो तब भी चलेगा। और अब मैंने इसमें तली हुई मूंगफली डाल दी है, थोड़ी सी थोड़ी बचा के रख ली, सर्विंग के दौरान यूज़ कर लेंगे। इसी से आपका पूरा पेट भर जाएगा, इतने टेस्टी बनते हैं। आखिर में इसके अंदर आपको लेमन जूस डालना है और यहाँ पर गैस बंद, एक बार बस मिक्स करेंगे और इसे सीधा सर्व करेंगे। तो सर्व कैसे करना है, तो यहाँ पे मैंने प्लेट में ये पोहा लिए हैं, इसके ऊपर से आपको डालना है दो चुटकी जितना ये हमारा इंस्टेंट पोहा मसाला या जीरावन मसाला। बारीक कटी प्याज पसंद है तो ये आप ऊपर से डालें, टमाटर भी कई लोग पोहा के ऊपर खाते तो आप वो भी डाल सकते हो। तली हुई मूंगफली को थोड़ा बचा लिया था मैंने, जो मैं अब ऊपर से डाल रही हूँ। अगर आपके घर में थोड़े से अनार दाने हैं तो आप वो भी डाल सकते हो। ये डाल रही हूँ मैं इसमें धनिया पत्ता, और आपको इसमें सेव डालनी है अगर पसंद है तो। कई जगहों पर मैंने देखा है बारीक सेव डालते हैं, कई जगहों पर जो रतलामी सेव आती है वो होती है, कई जगहों पर फरसान होता है, चॉइस आपकी है, तो आप इसके ऊपर डालें। तो लीजिए जैसे ठेले पर मिलते हैं एकदम स्वाद में परफेक्ट खिले खिले, जो खाने में बेहद सॉफ्ट लगे, ऐसे परफेक्ट पोहे बनकर तैयार है। और स्पेशल बात बताओ, अक्सर ना कुछ लोगों को पोहे खाने के बाद एसिडिटी होती है, ये पोहे खाने के बाद आपको एसिडिटी भी नहीं होगी, ट्राई करके देखें, बहुत ही मस्त रेसिपी है। आई होप आप लोगों को रेसिपी पसंद आई हो, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और रेसिपी कैसी लगी ये कमेंट करके लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।